through my friends. पिछली बार कंपटीशन एग्ज़ाम का मैंने सातवां पार्ट बताया था, अब मैं यहाँ पर आठवां पार्ट आपको बताना चाहता हूँ। मैंने लिखा है इफ़ ना, यदि ए प्लस वन अपान ए बराबर के हो तो ए स्क्वायर माइनस वन अपान ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। पिछली बार अपन ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर लिखा था, तो उसका आंसर जो मैं देना चाहता हूं वह बहुत सरल उत्तर है कि ए स्क्वायर माइनस वन अपान ए स्क्वायर का उत्तर आपका जो होगा वह के टाइम्स अंडर रूट के स्क्वायर माइनस फोर होगा, के स्क्वायर माइनस फोर, यह आपका आंसर शॉर्ट ट्रिक कहलाता है। पर ये बनता कैसे है यह आपको हम बाद में सिखाएंगे, पहले इस पर हम कुछ प्रश्न कर लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर से फोर है, कितना है फोर है, और आपसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो आपने कहा कि सर आपने तो फार्मूला लिखा रखा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपने लिखा रखा है आपका के इंटू के स्क्वायर माइनस फोर, तो ये कौन है, ये हमारा के है। तो अगर हमने रखा के का मान कितना है फोर है, अंडर रूट के न फोर का स्क्वायर है और माइनस का चार, तो ये हुआ 4 इंटू अंडर रूट में 16 माइनस 4 अर्थात 4 रूट 12 हुआ, जो आपका हो जाएगा आंसर नया आंसर 8 रूट 3, क्योंकि चार गुणे तीन लिखेंगे, चार का वर्गमूल दो, चार दुना आठ, आठ रूट थ्री आंसर हो गए। तो इसका आंसर कितना आया 8 रूट थ्री। अब मैं और प्रश्न को एक करना चाहता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर से आपका 7 है, कितना है, और आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान बताइए, तो आपको कि सर आपने तो फार्मूला लिख रखा है के और अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस फोर, के कितना है, के कितना है यहाँ पर, के कितना है 7 है, तो आपने कहा सर जी यहाँ 7 रख दीजिए और 7 का वर्ग कर दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये 7 का वर्ग करा आपका 49 माइनस 4, तो ये 7 इंटू अंडर रूट 45 हो गया, इसका आंसर हो गया। ये यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो 7 है, आपको ये तो बड़ा सरल ट्रिक है, पर प्राप्त कैसे हुई और इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये ट्रिक कैसे प्राप्त होती है, कौन बनाता है इन्हें,
ये ट्रिक मैं लिखा रह देता हूं और आप लोगों के सामने सारी ट्रिक ओपन करके बताता हूं। ओपन करना मतलब उसे संक्षिप्त उत्तर को सार ट्रिक कहते हैं। आई वापस चलते अपन कि अपन ने लिखा है क्वेश्चन में देखिए कि ए प्लस वन अपॉन ए बराबर के, तो आप लोगों ने एक फार्मूला सुन रखा होगा कि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो मैं अब यहां पर नाउ करने जा रहा हूं, मतलब अब मैं ए का स्क्वायर निकालना चाहता हूं, वन अपॉन ए का स्क्वायर निकालना चाहता हूं, इसका मान निकालना चाहता हूं। तो मुझे इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, ए कौन है कैपिटल ए, आपको कहोगे बी कौन है वन अपॉन कैपिटल ए, फिर आपको कहोगे सर जी ए कौन है तो आपको कहोगे कैपिटल ए माइनस वन अपॉन ए। आपको पिछले समय याद होगा मैंने आपको जब कहा था कि ए प्लस वन अपॉन ए सेकेंड पार्ट में कि क्या है, तो ए माइनस वन अपॉन ए बराबर आपको याद होगा मैंने लिखा था के स्क्वायर माइनस फोर होता है। ये ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, आप देख सकते हैं यह पार्ट सेकंड में बताई है कि ए प्लस वन अपॉन ए बराबर के, तो ए माइनस वन अपॉन ए बराबर क्या लिखना चाहिए, तो चूंकि धन का चिन्ह है तो ऋण लिख देना चाहिए और के स्क्वायर माइनस फोर लिखना चाहिए। अब बताइए ऊपर इसका मान क्या है, देखिए तो आपको के है और इसका मान क्या है अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस फोर है। आपको के सर जी बड़ा आसान काम कर डाला आपने, तो बिल्कुल एक से एक रीति प्राप्त होती जा रही है। सार्थक कहते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा, देखिए यही तो ट्रिक प्राप्त हुई, इसलिए हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी का कार्य करना चाहते हैं। धन्यवाद।